मौसम के बिगड़े बोल, कभी धूप कभी छांव, कभी बारिश ने बिगाड़ा आदमी का स्वास्थ्य, अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। इन दिनों रीवा शहर में मौसम के तेवर बदले हुए हैं। पल में माशा पल में तोला की तर्ज पर मौसम अपना रंग दिखा रहा है। बदलते मौसम को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान आम आदमी दिखाई पड़ रहा है। अस्पतालों में इन दिनों मरीजों की भीड़ सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। सबसे ज़्यादा मरीज पानी की वजह से होने वाली बीमारियों के दिखाई पड़ रहे हैं। बारिश की वजह से घरों के आसपास भरा पानी मलेरिया पीलिया जैसी पानी से होने वाली बीमारियों को जन्म दे रहा है। इसी के चलते अस्पताल में इस समय मरीजों से भरा हुआ है। डॉक्टरों के अनुसार साफ सुथरा पानी पीने से आम आदमी की समस्या आधी खत्म हो सकती है। रही सही कसर अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ सुथरा करके दूर की जा सकती है। बदलते मौसम में अस्पतालों में भरी भीड़ को लेकर रीवा दर्शन ने पैथोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर यू आर सिंह से बातचीत की। सर ये बताएं किस तरीके की इस समय जांच ज़्यादा हो रही है? इस समय क्या है कि बीमारियां तरह तरह की हैं, जैसे बैक्टीरियल है, वायरल है, मलेरियल फीवर है, तो या कि गंदे पानी से फैलने वाली बीमारियां हो गई, और सब्जियां भी आजकल गंदी रहती हैं तो खाना भी कई बार गंदा रहता है। ऐसी बीमारियाँ जो है पानी से या खाने से फैलने वाली बीमारियाँ वो ज़्यादा हो रही हैं, और मौसम के बदलाव के कारण भी कुछ बीमारियाँ जो है तो हो रही हैं। ज़्यादातर जांचें किस किस तरीके की कर रहे हैं आप लोग? देखिए हमारे यहाँ एक तो होता है कम्प्लीट हेमोग्राम, जिसमें ब्लड की करीब करीब बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती है। दूसरा इस समय मलेरिया के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, टाइफाइड के बहुत ज़्यादा मरीज आते हैं, और इसके अलावा वायरल डिजीज के लिए कई बार आपका CBC से हो जाता है, और कई बार स्पेशल जो वायरल डिजीज होती है उसके लिए डेंगू फीवर वगैरह के लिए, और हेपेटाइटिस या पीलिया जैसे कहते हैं उसके लिए ज़्यादा मरीज आते हैं और उनका टेस्ट किया जाता है।